हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मेंसुरेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 9 क्वेश्चन तक के कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन गिवन है, फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फेयर एंड द अपर पार्ट इज कोन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टॉय है, जैसे कि जो किस शेप की है, ऊपर से कोन है और नीचे से हेमिस्फेयर यानी कि आधा स्फेयर है। ठीक है, इस टाइप की एक टॉय है जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें इस टॉय के लिए फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर एज शोन इन फिगर। तो हमें इस टॉय का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब किस टॉय का टोटल सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे सेम सरफेस एरिया के लिए। लेकिन सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया मिला के क्या हो जाएगा, पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोन के नीचे वाला सर्कल और हेमिस्फीयर के ऊपर वाला सर्कल ये हमें डायग्राम में नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो अंदर छुपा हुआ है। ओके, तो हमें टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, सॉल्यूशन, पहले तो हम गिवन लिख देते हैं। अब हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है और यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें डायग्राम में गिवन है। और हाइट ऑफ कोन होती है जो कि हमें गिवन है, हाइट ऑफ कोन एच, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हेमिस्फीयर का फाइंड करेंगे, दोनों के हम एडिशन कर देंगे। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। दैट इज इक्वल टू अब देखो, इनका जो डिनोमिनेटर सेम है, इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, यानी कि हम न्यूमरेटर में हम क्या एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है वो लिख देते हैं। फिलहाल मैं पाई को रहने दो, पाई एज इट इज़। आर दोनों में आर की वैल्यू सेम है, 3 का स्क्वायर इंटू एच 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, कि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 था तो हमने दोनों को कंबाइन कर लिए। दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब 27। ओके, अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 9 फोर 36 पाई प्लस
54 पाई अपॉन 3। 36 प्लस 54 कितना होता है? 0 कैरी 1, 9 पाई बाय 3। ठीक है, अब 90, 90 को डिवाइड करो 3 से, यानी कि कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 30 पाई। ओके, अब हम पाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना पुट करेंगे हम पाई की वैल्यू? जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो हमें वही पुट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, 30 × 3.14 मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा हमें? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 के 2 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 0 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये क्या फाइंड कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो क्या हमें आएगा? ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमें वॉल्यूम फाइंड करना था। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड वॉल्यूम? अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके, एंड सरफेस एरिया ऑफ टॉय दैट इज इक्वल टू, देखो टॉय किससे बना है? कोन और हेमिस्फेयर से। तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लेना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। ओके, तो दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें गिवन है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमें गिवन है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर सरफेस एरिया फाइंड करना है। बट यहाँ पे हमें जो एल लेकर है स्लैंट हाइट ऑफ कोन, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें वो फाइंड करना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइड में फाइंड करके फाइंड कर सकते हैं हम उसे, साइड में फाइंड कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला? एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच, सॉरी हाँ, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, कोई भी पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज इक्वल टू एच, कितना है? 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर अंडर रूट, यानी कि 16 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ओके, तो स्लैंट हाइट हमें मिल गई है 5 सेंटीमीटर। सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर, आर कितना है? 3 × L है, 5 अभी हमने फाइंड किया है, प्लस 2 × π × r² यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 5 15 पाई प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 2 कितना होता है? 18 पाई। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 33 पाई। अब पाई की वैल्यू हमें पुट करना है 3.14, मल्टीप्लाई करो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 33 से। ठीक है, तो 3 3 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 3 से अगेन करना है तो 4 सेम वैल्यू रहेंगी, 2 4 9, 2 6 13 10, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट। ओके, तो हमें कितनी वैल्यू मिली है? हमें मिली है 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ये रिक्वायर्ड एरिया है टॉय के लिए। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल शोन इन द फिगर। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है
बस हमें क्या करना है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। बीच वाले मतलब कि क्या है, स्फीयर है तो हमें स्फीयर का फॉर्मूला यूज करके उसे फाइंड करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन देख के दिख रहा है कि जो है ना बीच बॉल का डायमीटर हमें गिवन है, दिख रहा है आपको कितना, 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेडियस का काम है तो क्या होता है, हमें पता है कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 42, यानी कि 21 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, पहले वॉल्यूम, पहले सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल मतलब के स्फीयर, ठीक है, बीच बॉल क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज पुट करना है हमें और सॉल्व करना है, तो 4 इंटू, अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से पाई की वैल्यू ले सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 22/7, क्योंकि 7 से 21 डिवाइड होता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंटू रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर 21, यानी आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू 7 3 21 डिवाइड हो गया है 4 3 12 इंटू 22 इंटू 21, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 21 कर देते हैं पहले, ठीक है। वैसे 12 का टेबल तो हमें याद ही है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, 12 वन ज़ा 12 के 1, 12 का 2 कैरी 1, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 252 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, ठीक है। सो 22 से भी आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 22 ज़ा 44 के 4 कैरी 4, 25 22 5 ज़ा 110 प्लस 4 4 कैरी 11, 22 ज़ा 44 प्लस 11 55। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे जो सरफेस एरिया की जो वैल्यू मिली हमें कितनी मिली है, 55 44, यानी कि 5544, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू है वो पॉइंट में गिवन है, मतलब कि क्या है कि वहाँ पे हमें जो पाई की वैल्यू पुट किए थे वो कितना पुट किए होंगे, वो 3.14 पुट किए होंगे, ठीक है। तो सर कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि अगर क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम हमारी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हम उसी के हिसाब से कर लेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसके जगह पे 3.14 पुट कर देंगे, ठीक है। वैसे ये आंसर भी करेक्ट है क्योंकि हम पाई की जगह पे 22/7 भी पुट कर सकते हैं। ओके, 3.14 पुट करने पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है करके देखो, 441। ओके, इसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 के 6 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, ओके, इंटू 3.14। और इसको अगर आप 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में भी आंसर देकर है, ठीक है। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। ओके, आप जो चाहे वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, सरफेस सरफेस एरिया के बाद में जो सेकंड है वॉल्यूम के लिए, तब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे बीच बॉल का।
सो वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल यानी के स्पेयर का वॉल्यूम, ओके क्या है फॉर्मूला है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सेम है यहाँ पे हम पाई की जगह पे 22/7 भी लिख सकते, वो लिखेंगे तो इजीली सॉल्व होगा, लेकिन जैसे टेक्स्ट बुक में दिखा रहे आंसर पॉइंट में, मतलब कि हमें 3.14 ही पुट करना है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 21 का क्यूब। 21 का क्यूब यानी कि 21 इंटू 21 इंटू 21 लेकिन डिनोमिनेटर में 3 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस क्यूब को हम क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे इंटू 21 लिखेंगे, ठीक है कि 3 7 21 हो जाता इजी हो जाएगा हमारे लिए। देन 4 7 28 इंटू 3.14 इंटू 21 का स्क्वायर हमने अभी लिखा था यहाँ पे 441। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ओके अब इजी मल्टीप्लीकेशन है, पहले क्या करेंगे हम 28 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 12,348, ओके फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, सो देन हमें आंसर मिल जाएगा 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब, ओके तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, ओके विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन हमें गिवन है एज शोन इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ओके अब दिख रहा है हमें यहाँ पे डायग्राम में कि एक सिलेंडर है, ठीक है पानी भरा हुआ है उसके अंदर, 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है, उसके अंदर एक बॉल हमने इमर्स कर दिए जिसका जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर है, ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब जो हाइट दिख रही है वाटर की 30 सेंटीमीटर है, उसके अंदर क्या है ना कि अगर हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं सिलेंडर का शेप का, तो उसके अंदर जो है ना स्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड हो जा रहा है, लेकिन हमें सिर्फ वाटर का वॉल्यूम चाहिए स्फीयर का नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे उस सिलेंडर का शेप में जो वाटर है फिलअप उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे और उसके वॉल्यूम में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्फीयर का वॉल्यूम, तो हमें सिर्फ एग्जैक्टली हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा, ओके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे जो गिवन है, सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ओके एंड डायमीटर भी हमें गिवन है सिलेंडर का, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ओके बट हमें डायमीटर काम नहीं, हमें रेडियस का काम है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसे हम R1 से डिनोट करेंगे, R1 क्यों, क्योंकि हमारे पास एक और रेडियस है जिसका एक और डायमीटर रहेगा स्पेयर का, तो उसका भी रेडियस रहेगा ना, तो उसे हम R2 से डिनोट करेंगे, कितना होता है डायमीटर का हाफ होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 सेंटीमीटर एंड हमें गिवन है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, ठीक है ना सिर्फ मैं स्फेयर लिखता हूँ यहाँ पे जो कि 2 सेंटीमीटर है, सो उसका रेडियस हो जाएगा 2 का हाफ 1 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके नाउ हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके वॉल्यूम ऑफ, इसके लिए हम क्या करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें सिर्फ वाटर पानी का वाटर सॉरी वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके
सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो उसका रेडियस है, उसका रेडियस है R1 और इस पे का रेडियस है R2, ये ध्यान में रखना। नहीं तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 7 पुट कर देंगे या फिर 1 ही पुट कर देंगे दोनों तरफ तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पाई है तो एक प्लस पॉइंट है कि जो आंसर है वो पाई में गिवन है, यानी कि हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कर भी देंगे तो कुछ होगा नहीं, नहीं करेंगे तो टाइम बचेगा। सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर, 7 7 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 30 माइनस 4/3 पाई इंटू आर टू, कितना है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। सो दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 30 कितना होता है 0, 7 2 4 ठीक है 1470 पाई माइनस 4 1 4 फोर इंटू फोर ठीक है 4/3 पाई रहेगा ये। ओके क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर पहले डिवाइड करके बाद में सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। हम क्या करेंगे पहले डिवाइड कर देंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 1 3 1.0, 3 3 9 1 0, 3 3 चलते रहेंगे ठीक है, तो 1.33 हम ले लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1470 पाई माइनस 1.333 पाई। ओके दो ही रहने दो। सो दैट इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करना बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस सब्ट्रैक्शन में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो क्या करना है हमें बड़ी वैल्यू जो है 1470 लिखना है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, फिर 0 0 ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसी पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आना चाहिए 1.33। ओके तो कुछ भी नहीं है, इधर लेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 6, एक उधर दिया था ना तो 6 के 6 4 1 ठीक है, यानी कि आंसर आया हमारा 1468.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वाटर का, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके एंड यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट 7.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।